खिलाड़ियों के साथ बहुत बहुत स्वागत। रणथंभौर के शासक राजा हमीर राव के बारे में कहा जाता है कि जो कोई उनके शरण में एक बार आ जाता था उसके लिए वो अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते थे। 4.5 किलोमीटर की महज दूरी पर यहाँ रणथंभौर नेशनल पार्क है, जहाँ पर टाइगर रिसोर्ट भी जिसे कहा जाता है, जिसे विश्व भर के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। सबसे पहले सवाई माधवपुर सीट के इस राष्ट्रीय के हेलीकॉप्टर शॉट पे तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। आज यहाँ की जनता तैयार है सवाल दागने के लिए। अब आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगी। राखी राठौर जी, प्रवक्ता बीजेपी, की तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे संदीप चौधरी जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। पूर्व मंत्री है राजस्थान के, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, भवानी सिंह मीना साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुमित गर्ग पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तालियों के साथ आप चारों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। लेकिन देखिए, इससे पहले कि हम यहाँ के शो की शुरुआत करें, आइए आपको दिखाते हैं, क्योंकि राजतिलक में हम हेलीकॉप्टर शॉट कर रहे हैं, वो इसलिए कि 100 लोकसभा सीटों पर पहुंचने की हमारी कोशिश है। आज इसी राजस्थान में जब हम उत्तर प्रदेश से पहुंचे तो सबसे पहले हम पहुंचे जयपुर की सीट पर, जयपुर की जनता ने क्या कहा, और फिर पहुंचे अजमेर, वहां पर क्या मुद्दे जनता ने उठाए पहले आपको दिखा देते हैं वहां की ग्राउंड रिपोर्ट, फिर बारी होगी सवाई माधोपुर की जनता की, उनके सवाल और नेता सामने देंगे जवाब। राजस्थान और लैंड कर गए हैं जयपुर में, इसीलिए कहते हैं रंगीलो राजस्थान। क्या बात है, यहाँ क्षेत्र के अंदर पानी की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सबसे प्रमुख मुद्दा यही है, इस वजह से यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी को वोट दे रही है। 25 की 25 मोदी सरकार। जयपुर ग्रामीण की सीट कांग्रेस जीत रही है। जो लोग सोच रहे हैं कि जातिवाद, कोई जातिवाद नहीं है और मोदी जी वो सब वोट दे रहे हैं। 25 में से 25 जीतने जा रहे हैं इंडिया अलायंस। देश के राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, युवा हर मोदी से ज्यादा पढ़ा लिखा है। पीएम बनने वाले अमेठी छोड़ के वायनाड नहीं भगते। और आमिर मुस्लिम समाज का अध्यक्ष हूँ, इस बार राजस्थान के मुस्लिमों ने ठान लिया कि मोदी जी को वोट देना। मोदी ने अब तक देश को ठगा है, खुद ही चुनाव लड़े ना आके, इनके टिकट छोड़ छोड़ के भग रहे, टिकट छोड़ छोड़ के भग रहे। जिस हिसाब से हम मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, ये राहुल के नाम पे वोट मांग के दिखाते हैं। और आज संविधान को मोदी खत्म करने के लिए लग रहा है। सब फेल है, मोदी के सामने सब फेल है। चुनावी पारा चरम पर है, आपने सबकी बात सुनी है। अब यहाँ से हम चलेंगे सीधा अजमेर के लिए। अभी तो राजस्थान का ये पूरा चुनावी पारा जो चल रहा है उसमें सीटों की शुरुआत ही हुई है। जयपुर से हमने शुरुआत की थी, लेकिन अब हम पहुंच गए हैं अजमेर। और सियासी पारा कहाँ इसका है, हेलीकॉप्टर शॉट में जनता के बीच पहुंच गए हैं। हम सोच रहे हैं मोदी जी हमारे लिए 2000 रुपए खर्चों को देता है, और पेंशन वगैरह भी करा है, बिजली वगैरह भी कम करिया, तो हम तो मोदी जी को देंगे। राम मंदिर बनवाया, मोदी जी बहुत अच्छा काम किया। इस बार 100% कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। मुस्लिम लीग के साथ जो गठबंधन करते हैं, ऐसे लोगों के लौटने की कोई संभावना नहीं है। भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में नंबर वन है। इस बार के चुनाव में मैं देख रहा हूँ कि मोदी जी के प्रति भारत के मुसलमानों का विश्वास बढ़ा है। ये चुनाव राष्ट्रवाद पर है, नेशनल फर्स्ट है, धारा 370 राम मंदिर निर्माण पर है। मोदी जी ने अपनी वाराणसी के बराबर अजमेर लोकसभा को माना है। अजमेर में एम्स की बहुत डिमांड है। मोदी ने अब आइए आज तक के राष्ट्रीय के हेलीकॉप्टर शॉट में सीधा रवाना होते हैं यहाँ से अब सवाई माधोपुर के लिए। अपने राजस्थान के दौरे पर हम पहुंच गए हैं जयपुर और अजमेर के बाद अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे हेलीकॉप्टर शॉट में हम पहुंच गए हैं सवाई माधोपुर। देखिए, सवाई माधोपुर सीट की लड़ाई बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि 2009 में ये सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में थी, लेकिन 2014 में जब संदीप सिंह जौनपुरिया को यहाँ पर उतारा गया तो सामने से मोहम्मद अजहरुद्दीन
जी हाँ, एक वक्त पर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान को कांग्रेस पार्टी ने उतारा, लेकिन मोदी लहर में वो भी हार गए। और फिर 2019 में जौनपुरिया साहब फिर यहाँ से सांसद चुने जाते हैं। क्या ऐसा तीसरी बार होगा? ये सवाल सीधा लेकर चलते हैं राखी राठौड़ जी के पास। बहुत लोग ये मान रहे हैं कि राजस्थान में सैचुरेशन है, 25 की 25 सीटें दो बार से लगातार दे रहे हैं, इस बार बीजेपी फिसलेगी। जवाब दीजिए, और इस सीट पर खास तौर पर तीसरी बार आप उन्हीं पर किस्मत आजमा रहे हैं। त्रिनेत गणेश जी के इस धरा पर आज सबसे पहले रामनवमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। अंजना जी ने जो मुझसे सवाल किया, और मैं हमेशा सवाल का जवाब ही उसी पे बात पे रहना चाहूंगी, 2019 में भी अंजना जी ऐसी ही बात थी कि राजस्थान के अंदर 25 से 25 सीट बीजेपी के पास नहीं आएगी, लेकिन 2024 में फिर से यही बात जब सामने आ रही है, तो मैं लेकर आई हूं वो पूरा काम जो मोदी सरकार ने लगातार एक परिवार के रूप में 140 करोड़ की जनता को एक परिवार के रूप में रखा, और जिस तरह से पूरे देश को आगे लेके जाने का काम किया, ना केवल देश में रहने वाला लोग या फिर बाहर रहने वाले जो भारतीय हैं उनको भी भारतीय होने पर गर्व पैदा किया। एक ऐसे प्रधानमंत्री ने काम किया, दिन रात काम किया, बिना रुके बिना थके, समय का पल पल शरीर का कण कण अपने देश के प्रति न्यौछावर किया। और ऐसे प्रधानमंत्री जब आते हैं तो निश्चित तौर पे जनता के प्रति उनका विश्वास, जनता में उनके जो मन में एक स्वरूप है उसके रूप में हमेशा सहयोग जो है वो मोदी सरकार को रहेगा। और आप देखिएगा, कांग्रेस कह रही है, एक सेकंड आपको टोक रही है, कांग्रेस कह रही है कि आज रामनवमी के दिन आप लोगों ने राम मंदिर में प्रभु राम के ललाट पर जो सूर्य की किरण पड़े ये सब कुछ बताकर 48 घंटे बाद अब वोटिंग होनी है। आप लोग भगवान राम के भरोसे एक बार फिर चाह रहे हैं 400 पार का नारा सफल हो? छोटा सा इस पर जवाब। देखिए, राम भगवान की कृपा तो चाहिए, ये तो तय बात है, और यहां बैठे हुए सभी लोग इस बात को मानेंगे कि राम भगवान की कृपा आज सब लोगों ने, हमने भगवान पे जो विश्वास है वो हमें आगे काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है, और वो विश्वास हमारे लिए जरूरी है। आज जब सूर्य तिलक हुआ, मैं कहूं कहना चाहूंगी एक गौरवान्वित करने वाला अनुभव था मेरे लिए, क्योंकि 500 साल बाद ऐसा हुआ कि रामनवमी वाले त्योहार वाले दिन रामलला ने अपने भव्य मंदिर में आज का पर्व मनाया। ये हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला विषय। ठीक है, संदीप चौधरी जी। हाँ, संदीप चौधरी जी, अब आपकी बारी है। देखिए एक सेकंड, कई लोग ये मानते हैं कि लगातार 25 सीटें बीजेपी की झोली में जाना एक बड़ा फिनोमिनन है राजस्थान में, ये नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर यहां मुहर लगाता है। गुजरात और गुजरात के बराबरी पर यहां पर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता होना क्या सबसे बड़ा आपका चैलेंज नहीं है 14-19 और अब तीसरी बार 2024 में? सबसे पहले मैं यहाँ के श्री गणेश जी को नमन करते हुए आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। उसके बाद मैं आपके सवाल के जवाब पे आता हूँ कि आपने कहा मोदी जी की लहर है देश में, और इधर से हमारे सारे साथी कह रहे थे 400 पार हैं। आप लोगों के कम 100 कैंडिडेट तो हमारी कांग्रेस से लिए हुए हैं अभी, जो हमारे कांग्रेस से आप लोगों ने बुला के टिकट दिए हैं, 400 पार की आप बात कर रहे हैं। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि मैं एक आम किसान परिवार का बेटा हूं, आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं। राम जी तो सबके, पर किसान के लिए मोदी जी ने क्या किया, युवा के लिए मोदी जी ने क्या किया, और सब चीजों को आप भूल जाइए। अभी अभी राखी जी ने कहा कि 140 करोड़ का परिवार, तो मोदी जी का परिवार कहाँ है, जसोदा बहन जी कहाँ है, जवाब देंगे आप? मैं आप सबसे पूछता हूँ, जसोदा बहन जी कहाँ है? आप लोग सब परिवार है, प्रधानमंत्री के परिवार में हम भी शामिल है, पर जसोदा बहन जी कहाँ है? आप लोग बात करते अंजना जी, मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कहने को इनके पास कुछ नहीं है। ठीक, आप मंत्री भी रह चुके हैं, एक सवाल आपको टोक के, जैसे मैंने उनसे पूछा एक सवाल आपको टोक के, निजी हमला सही है या गलत है, ये सवाल है। नहीं, निजी हमला क्या, मैं इन्होंने क्वेश्चन किया, एक आपको जवाब दिया, उस जवाब के बारे में मैंने भी एक क्वेश्चन पूछ लिया कि मोदी जी का 140 करोड़ का परिवार है तो जसोदा बहन जी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कांग्रेस की लड़ाई। छोटा सा जवाब। देखिए अंजना जी, जिसने सिर्फ परिवार की चाटुकारिता की हो, जिसके लिए एक परिवार, सबसे पहले प्रियंका गांधी यहाँ पर आती है, स्टेट देखकर जाती है, अगर एक बार इस राजस्थान की धरती पर बालिकाओं को देख जाती तो एनसीआरबी की रिपोर्ट में लगातार 4 बार में हम रेप में नंबर 1 नहीं आते। सिर्फ एक परिवार की चाटुकारिता करने वालों को आप एक्सेप्ट करेंगे या ऐसे मोदी जी को एक्सेप्ट करेंगे जिसने 140 करोड़ की जनता को अपना परिवार माना है? अंजना जी, परिवार पर जिस तरह से व्यक्तिगत आक्षेप लगाते हैं, राखी जी को जवाब, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको कॉम्पिटिशन करना है तो 10 साल के जो काम किए उसमें कॉम्पिटिशन कीजिए। 10 साल के
चिल्लाने से देश नहीं चलेगा, ये देश चलेगा किसान का भला करने से, ये देश चलेगा युवाओं का, ये देश चलेगा देश का सुंदर संस्था करने से, नारे लगाने से देश नहीं चलेगा, हम लोगों ने काम किया आप काम के सिर्फ नारे लगाने से ये देश नहीं चलेगा। देख रहे हैं इस बात को, एक परिवार के पीछे चलने वाले, 10 साल का साथ दीजिए इस देश को, काला धन आएगा, पेट्रोल डीजल कम किया गया, है ना मोदी जी का परिवार, हम सब मोदी जी का परिवार है, 140 करोड़ की जनता के लिए, उनके परिवार के लिए लगातार काम करते हैं, बिना रुके बिना थके, मुद्दों पे आप बात कीजिए, सिर्फ चिल्लाने से नारे लगाने से इस देश की उन्नति नहीं होगी, छुट्टी मनाने से नारे लगाने से मोदी जी कहते हैं मौज करने नहीं आए हैं, काम करने आए और काम गिनाइए। आपसे किसान सवाल पूछ रहा है, किसान का जवाब दीजिए, आपसे युवा सवाल पूछ रहा है, युवा को जवाब दीजिए, आपसे जो सामने महिला बैठी है वो पूछ रही है पेट्रोल डीजल सिलेंडर का भाव कम कीजिए, चाहेंगे यूपीए ने क्या किया, 2G 3G जीजा जी कॉमनवेल्थ 10 साल से आपने, 10 साल से आपके पास सरकार है, बताइए ना, आपने 10 साल से आपके पास सरकार है, आपने क्या कार्रवाई की 2G 3G में, कोर्ट से बरी किया गया, सुप्रीम कोर्ट से बरी किया गया, जुडिशरी अपना काम कर रही है, और मैं दावे से कहती हूँ जितने भ्रष्टाचार ये पीछे आएंगे सब आप, एक सेकंड आप दोनों से रिक्वेस्ट है प्लीज, इसको शाउटिंग मैच मत बनाइए, बारी बारी से बोलिए, आप लोगों से भी सवाल लूंगी, नारे बाजी मत कीजिए, मेरी आवाज नहीं जाएगी, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज। देखिए समर्थकों की लड़ाई होती रहेगी, आप लोग इससे मंच पर विचलित मत होइए, सीधा मत एंगेज कीजिए, मुझसे बात कीजिए, उनके प्रश्न में लूंगी, मीना साहब आपके पास आते हुए, लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या इन इलाकों में जाति के आधार पर जनता आखिरकार वोट करती हुई नजर आती है, जौनपुरिया साहब के बारे में कहा जाता है हरियाणा के थे, यहां पर उनको उम्मीदवार बनाया गया, एक गुर्जर को लाकर मीना कैंडिडेट इधर से, क्या जाति के आधार पर जनता का वोट करना भी इस पूरे इलाके में एक प्रथा जैसी है, एक तरीके जैसा है, या फिर नेता की मोदी जी की या राहुल गांधी की लोकप्रियता बड़ा फैक्टर होता है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, इस देश के अंदर जो कांग्रेस ने सबसे बड़ी विडंबना दी, इस देश को कांग्रेस ने अगर सबसे बड़ी विडंबना दी तो वो इस समाज को जाति प्रथा में बांट कर किया, और मोदी जी ने अगर कोई काम किया, आज मोदी जी का जो क्रेज है, आज मोदी जी के जो लहर है, आज मोदी जी के प्रति जो सहानुभूति है, वो यही है कि प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक सनातनी ये सोचकर भाजपा को वोट करता है कि मैं इस देश के लिए, इस समाज के लिए कुछ न कुछ करने वाले उस व्यक्ति को तैयार करूंगा, इसलिए सवाई माधोपुर की भी जनता जात पात से ऊपर उठकर वोट करेगी, और फिर एक बार इस सवाई माधोपुर की धरती पर मोदी जी के नेतृत्व में भगवा ध्वज लहराएगा, भाजपा का ध्वज लहराएगा। सुमित गर्ग साहब, आज ही राहुल गांधी ने कहा है कि 150 सीटों पर बीजेपी सिमट जाएगी, आपको ये व्यवहारिक लग रहा है आज की तस्वीर में? अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपका, आपकी टीम का, राजा हमीर की धरती त्रिनेत्र गणेश की भूमि पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म दिवस पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मैं अपनी बात चालू करूं उससे पहले मैं पुरानी बात पर वापस आऊंगा। कहा गया निजी हमले नहीं होने चाहिए, मैं निजी रूप से इसके बहुत खिलाफ हूं, अंजना निसंदेह नहीं होने चाहिए, लेकिन जब भी नहीं होने चाहिए, जब कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा जाए, उसकी भी भर्त्सना होनी चाहिए, भर्त्सना जब भी होनी चाहिए, जब देश के एक शहीद प्रधानमंत्री की पत्नी को विधवा कहा जाए, जब एक बड़े राज्य की मुख्यमंत्री को फुहड़ तरीके से दीदियों दीदियों दीदी कहा जाए, ये बिल्कुल निजी हमले नहीं होने चाहिए, इनकी भी भर्त्सना होनी चाहिए। अब मैं आता हूं आपके सवाल पर, आपने कहा 150 के नीचे उतरेगी बीजेपी, मेरे नेता ने कहा, राहुल गांधी ने कहा, हां मेरे नेता ने कहा, आपने उसको मेरे सवाल पूछा, मेरे नेता ने कहा 150 के नीचे उतरेगी, बिल्कुल उतरेगी, मैं उसका सवाल का जवाब दे देता हूं, हम नहीं कह रहे, ये बीजेपी के लोग ही कह रहे हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर सबसे बड़ा घोटाला कौन बता रहा है, कौन कह रहा है देश की जनता बीजेपी से लड़ेगी, हम नहीं कह रहे, ये देश की वित्त मंत्री के पति कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड देश में नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, और कोई लड़ेगा तो कांग्रेस जो नहीं लड़ेगी, कोई अलायंस नहीं लड़ेगा, बीजेपी से कोई लड़ेगा तो देश की जनता लड़ेगी। एक मिनट में कंक्लूड कर देता हूं, उसके बाद बात आती है बेरोजगारी की, देश में बड़ा मुद्दा है, 8% से ज्यादा देश की बेरोजगारी दर है, इस बेरोजगारी को नहीं रोक सकते, ये किसने कहा, देश के प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा, प्लीज शाउटिंग मैच नहीं प्लीज सर, देश के प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वर क्या कहते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक जो
मुद्दे हैं, हम रोम खत्म नहीं कर सकती कोई सरकारें, स्पेशली अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी को, तो क्यों ना इस देश का जी वो कह रहे जनता वर्सेस सरकार, ये लड़ाई हो रही है और इसीलिए इस बार बीजेपी फिसल जाएगी। और दूसरा उनका कहना है बेरोजगारी महंगाई जैसे मुद्दों पर आपकी सरकार का क्या परफॉर्मेंस। बिल्कुल, मैं देखिए बहुत सारे डेटा अभी डॉक्टर साहब ने कहे, इनसे जरा पूछिए जनवरी 2014 के अंदर सिलेंडर की क्या रेट थी और आज की क्या रेट है, महंगाई का अंदाजा आपको लग जाएगा 2010 में महंगाई की। अरे मैं बता देती हूँ 1264 था, चेक कर लो अभी मोबाइल है सबके पास, जनवरी 2014 में सिलेंडर का क्या रेट था, आज का रेट 806 रुपए है। अरे अरे संदीप अभी बीच में बोलेंगे अंजना जी क्या तरीका है ये। तो जो रेटे जनवरी में थी और आज की जो रेट है उससे अंदाजा लगाए, और डॉक्टर साहब ने जो डेटा बताया 2011 में 2012 में महंगाई की डबल डिजिट जो दर बढ़ रही थी तब बात नहीं करेंगे, और आज महंगाई 5% के आसपास है कि नहीं अंजना जी आप बता दीजिए, और यहाँ की जनता भी जानती है, और वो भी तब जब एक कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से हम निकले, पूरे विश्व के अंदर किस तरह से बहुत सारे युद्ध हो रहे हैं, उसके बाद भी इसको अगर मेंटेन किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार फ्री नीतियां हैं। मोदी जी ने लगातार जिस तरह से घोटाले की बात कर रहे थे, घोटालों की सरकार से और क्या बात की जा सकती, जिसकी जैसी भावना होती है वैसे ही जबान पे निकलता है, लेकिन एक भी चीज प्रूव नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रोनल बॉन्ड 2014 से पहले कैसे मिलता था पैसा पार्टियों को ये बताइए, और अगर इतनी तकलीफ थी तो 1400 करोड़ रुपए क्यों लिए कांग्रेस पार्टी ने इलेक्ट्रोनल बॉन्ड के माध्यम से, आपको इतनी तकलीफ थी तो आपने 1400 करोड़ रुपए क्यों लिए, और 2014 से पहले क्या किया था ठीक है। एक सवाल मेरा आप लोगों से, बैठ जाइए, आप में से कितने लोग राष्ट्रीय मुद्दों पर लोकसभा चुनाव में वोट डालते हैं हाथ उठाइए, राष्ट्रीय मुद्दों पर इतने लोग वोट, कितने लोग हैं जो लोकल मुद्दों पर वोट डालते हैं लोकसभा चुनाव में, पीएम चुनने के मुद्दे पर, इधर वाले हिस्से में इधर सन्नाटा है, अब इससे समझ जाइए इधर बीजेपी के समर्थक है इधर कांग्रेस पार्टी के समर्थक है। संदीप जी जवाब दीजिए उसके बाद आपके पास। अन्ना जी देखिए आज देश के सामने 3-4 सवाल हैं कि देश सुन नहीं पाएंगे, अपने नेता को ही नहीं सुन पाएंगे। हाँ कि देश का किसान सवाल कर रहा है कि 2 साल पहले दिल्ली के अंदर 700 किसान शहीद हुए, किसानों से एक मोदी जी ने आके माफ़ी मांगी पूरे देश के सामने, आपको भी इस चीज़ की जानकारी होगी, मोदी जी ने सबके सामने आके पूरे देश के किसानों से माफ़ी मांगी थी, उसके बाद उन्होंने देश के किसानों से वादा किया MSP का, क्या 2 साल में वो पूरा कर पाए। 2014 में मोदी जी पूरे देश में घूम घूम के, इसी जैसे आपका हेलीकॉप्टर खड़ा है, पूरा हेलीकॉप्टर लेके पूरे देश में घूमे कि ये जो युवा साथी खड़े हैं मैं 2 करोड़ रोजगार हर साल युवाओं को दूंगा, आज 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला, क्या मोदी जी ने पूरे देश से वादा किया, हर जनसभा का उनका आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए कि मैं काला धन वापिस लेके आऊंगा, काला धन 10 साल में भी वापिस लेके आए क्या मोदी जी ने, इस देश के लोगों से वादा किया कि मैं 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में दूंगा, मैं पूछना चाहूंगा आप में से किसी के खाते एक भी व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आए क्या। तो आज देश राम के नाम पे, हम सब राम के भक्त हैं, मैं भी राम का भक्त हूँ, मैं भी हनुमान भक्त हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, सारी बातें हैं, पर देश को रोजगार चाहिए, किसान को MSP चाहिए, गृहिणी को डीजल पेट्रोल सिलेंडर सस्ता चाहिए, राशन सस्ता चाहिए, इन बातों का जवाब बीजेपी के पास नहीं है, इन बातों का इनके पास एक ही जवाब है जय श्री राम, और जय श्री राम के नारे हम भी लगाते हैं। जवाब क्या जय श्री राम है बीजेपी का, ये सवाल जो उन्होंने पूछा कि आज के पावन पर्व पे आप लोगों ने अपनी बात की शुरुआत जय श्री राम से मुझे करनी थी, आराम से रुक जाइए, आज के पावन पर्व पे जय श्री राम से अपनी बात की शुरुआत करनी थी, लेकिन मैंने जैसा कहा कि हमारे पास काम बहुत सारे हैं गिनाने के लिए जिसके बूते पर हम जनता के बीच में जाएंगे और वोट लेकर के आएंगे। इन्होंने किसानों की बात करी तो मैं बताऊं राजस्थान के अंदर 80 लाख और पूरे देश के अंदर 11 करोड़ से ऊपर किसानों को किसान सम्मान निधि अगर दी जाती है तो मोदी गवर्नमेंट में दी जाती है। अगर जो यूरिया है जो बाहर के देशों में 3,000 रुपए में एक कट्टा मिलता है वो 300 रुपए का मिलता है तो वो मोदी जी की पॉलिसी है जिससे देश में मिल जाता है। अगर किसान क्रेडिट योजना के माध्यम से फसल बीमा के माध्यम से 4 करोड़ किसानों को फायदा होता है तो वो मोदी जी की योजना है। MSP को 2.5 गुना करने का काम अगर किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। ये वो कांग्रेस का काम नहीं है कि 1 रुपया रवाना हुआ तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचा, 85 पैसा तो खूनी पंजा खा गया, वैसा काम नहीं होता यहाँ। 1 रुपया
पहुंचता है तो एक रुपया सीधे बेनिफिशियरी के पास पहुंचता है, ये व्यवस्था भ्रष्टाचार की जीत रही है। सुनिए, चुनाव आते हैं तो जाति और धर्म की बात कहां से आ जाती है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो दो बार से यहां सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी हैं, स्थानीय मुद्दों की बात करता टोक और सवाई माधोपुर में, 10 साल में गिनाने के लिए इनके पास कोई एक काम नहीं है। अगर गिनाने, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, दो बार चढ़ चुकी है, तिबारा जल के रहेगी। जवाब दीजिए अंजना जी, आपने बीजेपी का मैनिफेस्टो देखा, हमारा संकल्प पत्र देखा और कांग्रेस का घोषणा पत्र देखा, जाति में डिवाइड करने का काम किसने किया है जनता एक बार देखे और बताए। जहां तक यहां की बात है, आज अंजना जी जब जयपुर से आ रही थी तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे मुझे लगता है एक संजीवनी का रूप लेगा और जिस तरह से टूरिज्म का यहां पर बोलबाला है उसमें बढ़ोतरी निश्चित तौर पे आगे होगी। मैडम, हमारी नई पॉलिसी के माध्यम से यहां पे टूरिज्म इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट से यहां के जो अमरूदों के फूड प्रोसेसिंग पार्ट बनने हैं उसके लिए भी काम होगा। आप देखिएगा कि जल्दी ना केवल राष्ट्रीय स्थानीय मुद्दों पर हम लोग आगे चल के काम करने वाले हैं। देखते जाइए, मोदी का कमाल है, आगे जाकर के सब कुछ संभव है। ठीक है, सवाल। सबसे पहले तो मैडम मैं देश भर की सबसे निष्पक्ष पत्रकार श्री अंजना ओम कश्यप जी के बारे में जो इन्होंने पक्षपात करने का आरोप लगाया उसके कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। उसके बाद मैं आपको कहना चाहता हूँ मैडम कि ये चुनाव राष्ट्रवाद के और राष्ट्रीय मुद्दों पर ही होंगे, स्थानीय मुद्दों में इनकी कांग्रेस की पिछली सरकार ने 5 सालों में जो किया उनको इन्होंने भुगत लिया। सवाल पूछिए सवाल क्या है सवाल? मैडम मैं कांग्रेस वालों से सवाल पूछ रहा हूँ कि इन्होंने ये बताइए कि भ्रष्टाचार इतना क्यों किया कि आज इनके नेता, अनेक नेता जेलों में बंद हो रहे हैं। सारे भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में है, आपके मोदी जी ने सब पे गंगा जल डाल के टिकट दे दी उनको। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ सवाल अब आप मोदी जी से पूछो, जवाब दीजिएगा सवाल। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान है हमारे मोदी जी, इसको अंत तक जारी रखेंगे और एक एक भ्रष्टाचारी को जेल के सीकचों में डालेंगे, यही एक मुद्दा है। आप बताइए क्या करोगे, जवाब दीजिए। 10 साल से आप शासन से बाहर हैं, आप और इंडिया गठबंधन के साथियों की वजह से अभी भी भ्रष्टाचार पर जनता सवाल पूछ। अंजना जी, मैं आप सबके सामने ये चीज स्वीकार करता हूँ, कांग्रेस से कहीं गलती हुई होगी और उसका नतीजा ये हुआ कि 2014 में मोदी जी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आते हैं। पर पिछले 10 साल के अंदर मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा कि उस टाइम मोदी जी ने आरोप लगाया था रॉबर्ट वाड्रा जी पे कि 2G घोटाला किया। 10 साल में आपको पता है क्या जांच का नतीजा निकला? अरे भैया, बीच में सवाल सुन लो, पूछे आप जवाब जल्दी दीजिए। हाँ, जल्दी बोलिए। हाँ, जांच हुई। हाँ, जांच का क्या नतीजा है वो पूरे देश के सामने है। अगर वो दोषी है तो उनको गिरफ्तार किया जाए, वो दोषी नहीं है तो सिर्फ जांच को पेंडिंग छोड़ के इसलिए लोगों के बीच में छोड़ा हुआ है कि इन जैसे लोग जो मुद्दों से इस देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं कि किसान पे बात नहीं कर सके, युवा पे बात नहीं कर सके, महंगाई पे बात नहीं कर सके, तो फिर ये लोग इस तरह की बातें ले आते हैं। फिर इन्होंने भ्रष्टाचार की बात की, उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी में सारे भ्रष्टाचारी हैं, इनके मोदी जी दुपट्टा पहनाते ही वो गंगा में नहाए हुए हो जाते हैं, उनको तुरंत टिकटें पकड़ा देते हैं। मैम, मेरे दो ही सवाल है। एक तो यह है कि जो ये अनएम्प्लॉयमेंट का बोलते हैं, मैं खुद एक यूथ हूँ, तो जो भी अगर क्वेश्चन करता है अनएम्प्लॉयमेंट पे उनको आप ये पूछिए कि MSME क्या है और 2014 से पहले देश में कितने यूनिकॉर्न थे, आज कितने हैं। 80% सेलफोन जो हर एक बंदे के हाथ में यहाँ पे, वो आज इंडिया में बन रहा है। दूसरा, जो ये कहते हैं कि आप किसी का साइड ले रहे हो या कुछ, मैं एक सिंपल सा बताना चाहता हूँ। किसी टाइम पे सवाल पूछिए आप, मतलब जानकारी मत दीजिए सर, सवाल पूछो। मेरा सिर्फ ये है कि MSME के बारे में इनको पता है क्या? जो ठीक है, कितनी महिलाओं का सवाल पूछा, महिलाओं के सवाल नहीं हुए, कोई पूछेगा? आप आइए फटाफट, आप पूछिए जल्दी पूछिए। मैं इन मैडम से पूछना चाहती हूँ, ये महिलाओं के बारे में कह रही थी, मणिपुर में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, निवस्त्र किया गया, कहाँ थे मोदी जी, कहाँ गए थे मोदी जी? दिल्ली। बिल्कुल सही बात है अंजना जी, महिलाओं का विषय एक मुख्य विषय है। जब मणिपुर में हुआ तो हमने संवेदनशीलता दिखाते उस पे काम किया, लेकिन ये नहीं किया कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है, यहाँ तो रेप होंगे ही होंगे, ऐसी बात किसी नेता ने नहीं की। सबने संवेदना के साथ में उस मैटर को हैंडल किया और आप देखिए कि निकट भविष्य में मणिपुर में भी वैसी ही शांति होगी जैसी कश्मीर में हमने की है। ठीक है, अगला सवाल पूछो।
कांग्रेस पारिवारिक मुद्दे उठाती है, मोदी जी पर सवाल उठाती है। आप पहले पूछिए मणिपुर की बात करें, आप राजस्थान में तो देखिए जो प्रियंका जी यहाँ साल में 4 बार आती है, मैं खुद गवाह हूँ। जब अलवर में बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था उस वक्त प्रियंका गांधी यहाँ शेरबाग होटल में ठहरी हुई थी और हम 500 मीटर में रोड पे हम बैठ के धरना दे रहे थे, बाहर तक नहीं निकली वो। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? आप पहले उनसे पूछिए जो बाहर नारा देती है कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो यहाँ आकर चुप क्यों हो जाती है? संदीप जी जवाब दीजिए। अंजना जी मैं इनको बताना चाहूंगा कि अलवर के अंदर जो नारायणपुर के पास जो घटना हुई थी, 2.5 घंटे के अंदर हमारे प्रभारी मंत्री जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और हमारे मुख्यमंत्री जी पहुंच गए थे और राहुल गांधी जी स्वयं जाके उस बच्ची से मिलके आए थे और उस कब मिलकर आए थे, कैसे झूठ बोल रहे हैं, जो भी दोषी थे उन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी। 24 घंटे में सारे लोग अरेस्ट हो गए थे, 4 बार लगातार जो है रेप में नंबर 1 नहीं आता, सारे लोग अरेस्ट हो गए थे। एक-एक कमेंट जल्दी से मीरा साहब आपसे और फिर उनसे जल्दी से एक-एक कमेंट कुल मिलाकर मंत्री महोदय का बड़ा मुद्दा बन पा रहा है। मंत्री महोदय जल्दी से, श्रीमती प्रियंका जी यही ये बगल की होटल है, यही आकर साल में 5-5 बार रुकती है। सवाई माधोपुर के लोग डॉक्टर किरोड़ी लाल के नेतृत्व में ज्ञापन देने गए, वो ज्ञापन देने के लिए बाहर नहीं निकली। जो वास्तव में बहन जी ने सही कहा कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन जब राजस्थान की घटनाएं होती है, राजस्थान में कितनी जगह घटनाएं हुई, राजस्थान की जनता ने जवाब दिया, राजस्थान की जनता ने आपको सत्ता से बाहर कर दिया और फिर भी आप लोग इस प्रकार की अमेरिकन बातें कर रहे हैं। हाथरस, उन्नाव, कठुआ, दतिया, कोलाड़ा, जयपुर, सवाई माधोपुर, जम्मू रामगढ़, यहाँ पे महिलाओं का जवाब देंगे डॉक्टर साहब, तो राजस्थान के महिलाओं का जवाब देंगे। भीलवाड़ा में वो बच्ची चल गई थी ना, सोचना पड़ेगा कि कार्यकर्ता बनाए बलात्कार नहीं बनाए, प्रदूषण करण की तरीके क्या लगे, हत्या क्या करते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, छोटे छोटे नहीं करते हैं। हमारी बेटी राजस्थान की बेटी क्या बेटी नहीं है? मैं कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहता हूँ, इन्होंने 70 साल तक देश को बर्बाद किया और मोदी जी ने इस देश को विकास की ओर अग्रसर किया, पूरे वर्ल्ड में आज हिंदुस्तान का नाम है। लोकल मुद्दे पर मैं बताना चाहता हूँ, इनको कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा, विधायक को इनको चुनाव लड़ाना पड़ा। मैं आपके रामनवमी पे सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। मैं बीजेपी की राखी मैडम और भवानी भाई से पूछना चाहता हूँ, मैं रणथंभौर के सटे हुए गाँव में रहता हूँ, 10 सालों से हमारे लिए माननीय सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया ने क्या किया? कुछ काम नहीं किया हमारे लिए। हमारे खेतों में रातों फसले में टाइगर आते हैं जंगल में, और हम हरीश मीणा को भारी मतों से पहले भी जीत के माधोपुर से भिजवाया और इस बार भी हम जीता के भिजाएंगे। जनता की राय आपने जानी सवाई माधोपुर की सीट पर। हम आपको बता दें कल हम पहुंचने वाले हैं भीलवाड़ा भी, उदयपुर भी, तमाम जगहों पर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें 5 ऐसे लोग होंगे जो मेरे साथ आज तक हेलीकॉप्टर पर बैठेंगे। कल का लक्की नंबर था 10, आज का लक्की नंबर है 21। अगर आप ये तमाम लक्की नंबर जो हम रोज बता रहे हैं वो एक साथ हमें अंत में बताएंगे, कैसे बताना वो तरीका आपको बताएंगे। 5 लोग आप में से मेरे साथ हेलीकॉप्टर पर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सवाई माधोपुर की जनता का, तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। तमाम सवाल आज जनता ने दागे हैं, दोनों तरफ से दागे हैं, तमाम समर्थक अपनी अपनी तरफ से डटे रहे, इधर से भी डटे रहे, उधर से भी डटे रहे, सबने सवाल पूछे, नेताओं ने जवाब दिए। कल हम पहुंचेंगे उदयपुर, उदयपुर की जनता के सामने नेता खड़े होंगे, जनता के सवालों का जवाब देंगे।